आज हम फ्रैक्शन का कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में जानेंगे। भग्नांश किसी गुरुत्वपूर्ण विषय विषय आज हमने जानवा आ भग्नांश जदि मुझे गोटे लिखे भग्नांश यदि मुझे लिखी 3/6 और भग्नांश दुईट एलिमेंट गोटे अपर पार्ट गोटे लोअर पार्ट गोटे ऊपर भाग गोटे तल भाग ऊपर भागटा यह हूँ लब आल भागटा हूँ हर जोटा को इंग्राजी कहा जाए न्यूमेरेटर ये है डिनोमिनेटर ऊपर 3 न्यूमेरेटर 6 होता है डिनोमिनेटर इसको हम भग्नांश बोलते हैं या फिर फ्रैक्शन इसको हम क्या करते हैं बोलते हैं। अब फ्रैक्शन थ्री टाइप्स का होता है फ्रैक्शन थ्री टाइप्स फ्रैक्शंस थ्री टाइप्स का होता है एक है प्रॉपर एक है इम्प्रॉपर एक है मिक्स्ड तीन प्रकार भग्नांश गोटे हूँ प्रॉपर भग्नांश इम्प्रॉपर भग्नांश आ गए मिक्स भग्नांश प्रॉपर भग्नांश प्रॉपर जो प्रॉपर भग्नांश जो फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 4/5 7/9 ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है इसका भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन और ये होगी जो उड़िया में बोलते हैं प्रकृत भग्नांश जहाँ कि लबटा सान हर हूँ बड़ तापर आसला अप्रकृत भग्नांश बा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हिंदी में हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका क्या होता है ना न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है छोटा होता है न्यूमरेटर माने लब बड़ और हर कौन हुए ना सान हुए ये इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अप्रकृत भग्नांश जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसका एक होल नंबर होता है जैसे कि 3/1/2 होल नंबर भी होता है साथ में उसका फ्रैक्शन भी होता है गोटे पूर्ण संख्या रहे ता सहित गोटे भग्नांश मध्य रहे ताको हमें कहिबा मिक्स्ड फ्रैक्शन ताले भग्नांश तीन प्रकार प्रॉपर फ्रैक्शन प्रकृत भग्नांश इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अप्रकृत भग्नांश और मिक्स्ड फ्रैक्शन अर्थात मिश्र भग्नांश एबे हमें देखिबा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रु कि प्रकार मिक्स्ड फ्रैक्शन करा जाय परिवो तो हम देखेंगे कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम जानते हैं जैसे कि उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा 16/5 ये गोटे अप्रकृत भग्नांश आम देखा ये अप्रकृत भग्नांश को आम किपरि मिक्स फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करवा यार प्रोसेस होची हमने न्यूमरेटर को अर्थात लब को हर संगे हरिया लभ को आम करवा ना हर सांगे हरिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर साथ डिवाइड करेंगे 5 3 15 रिमाइंडर बा भाग शेष रहा 1 तो ये 3 ये जो 3 है ये है होल नंबर ये है न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर तो मैं लिख सकता हूँ तो मुझे लिखिपारि 3/5 ये हुआ उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन अर्थात अप्रकृत भग्नांश रु मिश्र भग्नांश 3/1/5 ठीक से रकम यदि गोटे मिक्स फ्रैक्शन थी मन करूँ 4/1/2 एक मिक्स फ्रैक्शन है 4/1/2 इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे इसका प्रोसीड्यूर है इसका प्रोसीड्यूर है जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे फिर न्यूमिनेटर के साथ प्लस करेंगे मतलब 2/4+1/2 डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा लब जहाँ थी सॉरी हर जहाँ थी हर से केवल हर गुणन पूर्ण संख्या युक्त लब हर गुणन पूर्ण संख्या युक्त लब डिवाइड बाय 2 अर्थात 4 2 8+1/2 = 9/2 तो ये क्या हुआ ना मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए ये गोटे अप्रकृत भग्नांश इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ क्योंकि इसका भी न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है लब हर ठार बड़ तेणुक अप्रकृत भग्नांश है शिखिलु गोटे अप्रकृत भग्नांश इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रु गोटे मिक्स फ्रैक्शन बा मिश्र भग्नांश परिणत करिबा ता सहित एक मिक्स फ्रैक्शन से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते मतलब गोटे मिश्र भग्नांश रु गोटे अप्रकृत भग्नांश आम कमी कलु दुईटा विषय मैंने शिखिलु एवं आम देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट अर्थ है देखा
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का मतलब है समान, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का अर्थ होती है समान फ्रैक्शन, समान मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा ना समान होगा, फ्रैक्शन का वैल्यू पूरा समान होगा, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि एक फ्रैक्शन है 4/5, अगर इसको बोला जाएगा इस फ्रैक्शन का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए, यदि यही भग्नांशर 5 सम भग्नांश बा समान भग्नांश लिखिया पे कहा जाए तार नियम होची अर्थात 4 1 4 गया तो 4 2 8, 5 2 10, 4 3 12, 5 3 15, 4 4 16, 5 4 20, 4 5 20, 5 5 25, 4 6 24, 5 6 30। ये हो गया 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 4/4/5 ये है हमारा मेन फ्रैक्शन, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ 1 2 3 4 5, ऐसे करके हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। और नीचे हम न्यूमरेटर का भी मल्टीपल्स लिखे गए, साथ साथ डिनोमिनेटर का भी मल्टीपल लिखे गए, ये हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम जितना चाहे क्या कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं, जितना चाहे हम लिख सकते हैं, ऊपर जितना गिनेंगे नीचे भी उतना गिनेंगे। मान लीजिए मैंने ऊपर 100 गिनना है, अगर 4 के साथ मैंने 100 का मल्टीपल करेगा तो ऊपर हुआ 400, नीचे भी मेरे को 100 से मल्टीपल करना है तो 100 × 5 = 500। ये सब इक्विवेलेंट है, ये दिखाई दे रहा है इतना बड़ा छोटा, लेकिन ये सब क्या है इक्विवेलेंट है। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ये हर एक का वैल्यू एक ही है, ये समस्त वैल्यू कौन जो समान, तेणुकर एगुड़ी को समभग्नांश बा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोली कहा जाए। एबे देखिबा आ माने सिंपलीस्ट फॉर्म, सिंपलीस्ट फॉर्म इसका मतलब क्या है, एक भग्न, एक फ्रैक्शन को हम छोटा करेंगे, इसका मतलब यह है एक फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे ना जितना हो सके उसको और छोटा करेंगे, या अर्थ होची गोटे भग्नांश को हमें जितने संभव पारिबा छोटिया भग्नांश टे करिबा। जमती मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 16/24, इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। इसका तरीका क्या है ना, ये दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों का हम क्या करेंगे ना एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ये दोनों का गोसागुआ माने कौन करिबा लिखिए एचसीएफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर, ये हम निकालेंगे तीनों दोनों का, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो हम निकालेंगे गोसागु 12 हुआ, फिर 2 में काटने से 4, ये 6 हुआ, फिर 2 में कटने से ये 2 और 3 हुआ, तो इसका जो एचसीएफ हुआ एचसीएफ इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। जो एचसीएफ निकला वो एचसीएफ को हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फ्रैक्शन था 16/24, ये एचसीएफ को हम क्या करेंगे ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ये एचसीएफ को हम क्या करेंगे ना न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, साथ साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ये गोसागुटी को मैंने लब सहित भी हरण करवा, हर सहित भी हरण करवा, 16 को 8 में डिवाइड करने से हुआ 2, 24 को 8 में डिवाइड करने से हुआ 3। तो 16/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 2/3, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा ना, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम सिंपली उसका एचसीएफ निकालेंगे, जितना एचसीएफ होगा उसको न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे, साथ साथ डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और लघिष्ठ करिया पे सिंपलेस्ट फॉर्म उड़िया में हम लघिष्ठ बोलते हैं, लघिष्ठ करिया पे हेले आमे साधारण भाव में लब पुणी हरर गसागु निर्णय करिबा, पुणी गसागु जहां बाहरिबो से गसागु को लबरे मध्ये हरिबा पुणी हरर मध्ये हरिबा, हरण फल जहां बाहला रिजल्ट सेटा होची मूल भग्नांशर लघिष्ठर परिमाण बा लघिष्ठ आकार तार लघिष्ठ। इसका और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो मेन फ्रैक्शन है उसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो मेन फ्रैक्शन है उसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सब फ्रैक्शन हमने सीखा, वन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं ना, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर व अप्रकृत भग्नांश उसको क्या किसको बोलते हैं ना, जिसका
न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसका एक होल नंबर होता है, साथ साथ एक उसके साथ फ्रैक्शन होता है, अर्थात प्रकृत भग्नांश, अपकृत भग्नांश, तत्संग मिश्र भग्नांश। यहाँ पर हमने देखा एक इम्प्रोपर फ्रैक्शन या फिर अपकृत भग्नांश रू आम किपरि मिश्र भग्नांश तैयारी करवा। इम्प्रोपर फ्रैक्शन से एक हम देखेंगे हम कैसे एक मिक्स फ्रैक्शन हम बनाए। आसान सा तरीका क्या है ना, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो है होल नंबर, जो रिमाइंडर हुआ वो है न्यूमरेटर, और जिसके साथ हमने फ्रैक्शन किया वो है हमारा डिनोमिनेटर, जो 3 1/5। उसके बाद उसका उल्टा है, मिक्स फ्रैक्शन से हम उसको इम्प्रोपर फ्रैक्शन करेंगे, अर्थात मिश्र भग्नांश रू अपकृत भग्नांश करिबा। इसको हर को पूर्ण संख्या सहित गुणन करिबा, तत्संग संगे लब सहित मिश्रण करिबा। 2 × 4 + 1/2, 2 × 4 = 8 + 1 = 9/2, ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन बहुत एक जैसा फ्रैक्शन, मतलब वैल्यू उनका एक ही है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अर्थात जहाँ को मैंने सम भग्नांश बोले ओडियारे को आउ तार मान हूँ सब भग्नांश गुड़ कौन है ना समान है तो आम को आकार बड़ देखा सान देखा हो सकता है ये हमको देखने में बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन इसका हरेक का वैल्यू क्या है इक्वल है। आसान सा तरीका है उसको निकालने का, उसको निकालने का आसान का तरीका है हरेक का न्यूमरेटर का मल्टीपल्स ऊपर लिख के जाएंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स नीचे लिख के जाएंगे। जितना बोला होगा लिखने के लिए हम उतना आसानी से लिख सकते हैं, या फिर न्यूमरेटर में जितना हम मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर में उतना मल्टीपल करेंगे। आसान तरीका होची और सहज नियम होची चार रो बा उपरे जो लब थी गुणितक सरी गुणितक गुड़ी लिखि जा और तले हर मत गुणित गुड़ी लिखि जा बा लबरे जहां गणीबा हर में मत सिया जेठे हम देखुचु मु हर रे लबरे 100 पुनी हर रे मत 100 गणिली तले 400 - 5 ए समस्तंगर वैल्यू होची समान, ई सबका वैल्यू समान है। उसके बाद हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कोई भी एक फ्रैक्शन को जितना हो सके हम उसको छोटा करेंगे। यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शन लिया 16/24, तो सबसे तरीका उसका आसान तरीका है, उसका जानने का तरीका है 16 और 24 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे ना एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर हमने एचसीएफ निकाला और लब पुणी हर मैंने गसा को काढ़ गसा को गसा को निर्णय कलु गसा को जो जी बाहर आउ कौन करवा लब सांगे पुणी हर सांगे दिजों सांगे डिवाइड करवा जो रेजल्ट बाहर सहीटा है तार सिंपलेस्ट फर्म बा लघिष्ट आकार जो एचसीएफ निकलेगा हम उसको न्यूमरेटर के साथ भी डिवाइड करेंगे साथ साथ डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड करें जो रिजल्ट निकला यही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग और प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, साथ साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है ये तुमने अच्छी तरह से सीखा और इसको घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। मैं आशा करता हूं आप लोग भी इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे और जितना हम मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा मैथ हमारे साथ इजी होता जाएगा, हम अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। धन्यवाद।